नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे थंगवल के प्रॉब्लम के बारे में कि आपने जैसे ऐप बना लिया और ऐप बनाने के बाद आपको ऐप को टेस्ट करना पड़ता है, यानी टेस्टिंग करना होता है कि क्या हमने जो ऐप बनाया है वो रियल में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए एक प्रोसेस था कि आप पहले ऐप को बिल्ड कीजिए ऐप में, फिर उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, फिर डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल को अटैच कीजिए अपने सिस्टम से, या अपना मेमोरी कार्ड निकालिए उसमें डालिए, फिर अपने मोबाइल में लगाइए, मोबाइल में लगाने के बाद इंस्टॉल कीजिए। तो बड़ा प्रोसेस था। इसमें थंगवल ने एक सिस्टम निकाला है बार कोड का कि आपने जैसे ये ऐप बना लिया, मैंने ये ऐप तैयार कर लिया, मुझे टेस्ट करना है कि ये जो ऐप मैंने बनाया है ये सही काम करता है कि नहीं करता है। तो मैं जाऊँगा टेस्ट में और थंगवल लाइव पे क्लिक करूँगा तो मुझे एक बार कोड दे देगा। अब थंगवल बोलता है कि हम इस बार कोड, मैंने आपको बार कोड दे दिया, आप जाएं अपने मोबाइल में और प्ले स्टोर में जाएं। प्ले स्टोर में जाने के बाद थंगवल सर्च करें, उसमें एक मोबाइल एप्लीकेशन होगा उसे इंस्टॉल करें और उससे अपने बार कोड को स्कैन करें। तो अगर मैं अपने बार कोड से मोबाइल को स्कैन करता हूँ तो नहीं आता है, मतलब इरर बताता है या बोलता है क्या है, क्या प्रॉब्लम आता है, मैं बताता हूँ। ये थंगवल बोलता है कि अपने सिस्टम को और अपने मोबाइल को एक ही वाईफाई नेटवर्क से जोड़िए, यानी दोनों का आईपी एड्रेस एक होना चाहिए। तो भाई मेरे पास उतना लेटेस्ट सिस्टम नहीं है और मेरे पास वाईफाई भी नहीं है कि मैं हाईएस्ट से जोड़ सकूँ। मेरे पास मोबाइल है, मैं मोबाइल को ही कनेक्ट करके नेट इनेबल करता हूँ और चलाता हूँ, तो ये काम नहीं करता। ये बोलता है कि वाईफाई होना चाहिए और आपका मोबाइल कनेक्ट होना चाहिए वाईफाई से, और आपके सिस्टम में भी वाईफाई होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे जो ये कोड है ये भी काम नहीं करता है। आपको उस ऐप में कोड नीचे लिखने के लिए आएगा, ये कोड भी नहीं काम करेगा। उस ऐप में अगर आप सेम वाईफाई से कनेक्ट नहीं है तो उस ऐप के नीचे लिखा होगा योर आईपी एड्रेस इज एरर वाईफाई कनेक्शन, यानी एरर आ रहा है कनेक्शन में। दोनों सेम वाईफाई से होना चाहिए। ये ऑफकोर्स आप सिस्टम से ही बात काम करेंगे क्योंकि मोबाइल में इतना अच्छा इसे काम नहीं करता है थंगवल। तो अगर आप कंप्यूटर और मोबाइल को दोनों एक ही वाईफाई से कनेक्ट करके रखें तब इस सिस्टम का, इस टेस्ट वर्जन का आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसे आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फ्रेंड्स एक इसमें आइडिया निकाला हूँ। आइडिया क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक आइडिया क्या निकाला फ्रेंड्स, मैंने इसमें पहले से था, इसमें थोड़ा सा बस ब्रेन यूज़ किया। इसमें क्या है कि देखिए, आपको इसमें जाना है, एक्सपोर्ट में जाना है और इसमें फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है, प्रोवाइड क्यूआर कोड फॉर .apk, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्या है होगा फ्रेंड, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, करीब 2 मिनट तक वेट करना होगा। ये लोडिंग लेगा, एक बार और लोडिंग लेगा, उसके बाद एक बार कोड दोबारा आपके सामने क्रिएट करेगा। वो बार कोड भी आपको थंगवल के ऐप से नहीं होगा, बल्कि आप अगर MI का मोबाइल यूज़ करते हैं, मैं बताऊंगा, अगर दूसरा मोबाइल यूज़ करते हैं तभी मैं बताऊंगा आपको। अगर आप MI का मोबाइल यूज़ करते हैं तो टूल्स में जाइए, टूल्स में जाने के बाद आपके पास एक बार कोड स्कैनर होगा, स्कैनर को ओपन कीजिए और उस बार कोड को स्कैन कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप MI का मोबाइल यूज़ नहीं करते हैं, किसी और का मोबाइल यूज़ करते हैं, किसी और कंपनी का, तो अगर आपके पास स्कैनर नहीं है, बारकोड स्कैनर नहीं है, तो आप क्या कीजिए कि प्ले स्टोर में जाइए और लिखिए बारकोड स्कैनर, यानी QR स्कैनर लिखकर आप सर्च कीजिए और उसे डाउनलोड कर लीजिए और उस ऐप का यूज़ करके इस कोड को, इस टेस्ट वाले कोड को नहीं बल्कि एक्सपोर्ट में जाके जो QR कोड है उसे क्रिएट करके इस कोड को, थोड़ा टाइम और लग रहा है, इस कोड को आप स्कैन कीजिए। इस कोड को स्कैन करने के तुरंत बाद, मतलब इस कोड को जैसे स्कैन कीजिएगा, तो स्कैनिंग के बाद क्या होगा कि आपको एक साइट पे ये फॉरवर्ड कर देगा। वो साइट पे जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए, वो साइट डाउनलोड करने का ही होगा, मतलब ये ऐप का ही साइट होगा। वो उस साइट पे, मतलब उस इसको स्कैन करने के बाद, इस
इसको स्कैन करने के बाद बोलेगा दिस ऐप इज हार्मफुल फॉर योर डिवाइस, ऐसे करके कुछ बोलेगा, उसमें आप ओके कर दीजिए और बस ओके करने के साथ आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिए और बस टेंटना प्रॉब्लम सॉल्व। इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।